पापा जी भूरी गाय गाय नहीं है वो बैल है। जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा बताओ। थक रही है कैसे डिसाइड हुआ था हाउसफुल के पिछले पार्ट्स का प्लॉट? डबल डेटिंग से बोर हुए लोग। दोस्तों हाउसफुल सीरीज की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जिसके पहले पार्ट में जैकलीन फर्नांडिस, जिया खान, दीपिका पादुकोण और लारा दत्ता बतौर एक्ट्रेसेस नजर आईं। इस मूवी में रितेश देशमुख और अक्षय कुमार ने भी मेजर रोल्स प्ले किए, जो कि ऑडियंस को बेहद पसंद आए। और अब जल्द ही इस फ्रेंचाइज का फिफ्थ पार्ट लॉन्च होने वाला है, तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करें और देखें कि इस बार फिफ्थ पार्ट में ऑडियंस को क्या क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों। अगर आप भी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज़ हाउसफुल 5 के बारे में। बता दें कि हाउसफुल के फर्स्ट पार्ट में ऑडियंस को तीन पेयर ऑफ कपल्स देखने को मिले, रितेश, अक्षय और अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड्स। इसके बाद हाउसफुल 2 में ऑडियंस को चार कपल्स दिखे, अक्षय, जॉन इब्राहिम, रितेश और श्रेयस विद देयर लव पार्टनर्स। हाउसफुल 3 में अक्षय, अभिषेक बच्चन और रितेश एक बार फिर तीन की जोड़ियों में नजर आए। और फाइनली हाउसफुल 4 में अक्षय, रितेश और बॉबी देओल अपनी प्रेमिकाओं के साथ मूवी में दिखे। अब दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ की सभी मूवीज़ में एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक चीज़ है जो कि इस फ्रेंचाइज में काफ़ी कॉमन है और वो है मोर देन वन कपल का इंक्लूड होना। जहाँ बाकी मूवीज़ में सिर्फ एक कपल की ही लव स्टोरी को इंटेंसिफाई करके दिखाया जाता है, वहीं हाउसफुल फ्रेंचाइज की हर मूवी में मल्टीपल कपल्स इन्वॉल्व हैं। और ऐसा मेकर्स ने ऑन पर्पस किया था, क्योंकि वो सिर्फ एक कपल पर फोकस हुई लव स्टोरी से बोर हो गए थे और कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। लेकिन अब उनका ये नया कॉन्सेप्ट भी पुराना हो चुका है और वो चाहते हैं कि दोबारा वो कुछ अलग लेकर आएँ। दरअसल डायरेक्टर्स का ये मानना है कि अब ऑडियंस इस मल्टीपल कपल की लव स्टोरी से बोर हो चुकी है और कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए ऐसी मूवीज़ का प्लॉट गेस करना काफ़ी इजी हो गया है और इसीलिए अब की बार मूवी में कुछ नया होने वाला है। हालांकि अभी इस नए प्लॉट पर कोई कंफर्म खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार मूवी में लव ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड होने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भले ही मूवी में लव ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट की न्यूज़ सामने आ रही है, पर फिर भी मूवी की स्टार कास्ट में सिर्फ तीन लोग नहीं बल्कि मल्टीपल कपल्स इंक्लूड हो रहे हैं और साथ ही अभी पूरी स्टार कास्ट भी रिवील नहीं की गई है। तो यहाँ ऐसा पॉसिबल है कि मेकर्स मूवी में दो लव ट्रायंगल्स को एक साथ दिखाएँ, ना कि तीन कपल्स को अलग अलग। बताते चलें कि इस बार मूवी के डायरेक्शन में भी मल्टीपल डायरेक्टर्स अपना हेल्पिंग हैंड देने वाले हैं। अब दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि मल्टीपल डायरेक्शंस वाली इस लव ट्रायंगल स्टोरी को देखने में कितना मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आपको लव ट्रायंगल मूवीज़ कैसी लगती हैं और आज तक बॉलीवुड में लॉन्च हुई सभी लव ट्रायंगल मूवीज़ में से आपकी सबसे फेवरेट कौन सी है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।